हाय गाइस, व्हाट्स अप, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अ डे इन माय लाइफ। ये है मेरे ब्लॉग का टाइटल और मैं कैसा लग रहा हूँ आप सोच रहे हो, इतना तैयार हो के ब्लॉग की स्टार्ट कर रहा है। बट हाँ गाइस, आज मेरी चीज़ें बहुत सारी लाइनअप है, बैक टू बैक मुझे बहुत सारी चीज़ें करनी है, इसलिए मैंने ये ब्लॉग यहाँ से स्टार्ट किया। थोड़ा लेट हो गया था बट स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग आज स्टूडियो से। मैं एक बहुत अच्छी सी वीडियो शूट करने आया हूँ और इसके बाद में मैं अपने कुछ दोस्तों से मिलाऊंगा जो मेरे खतरों के थे, और उसके बाद में हम बढ़ेंगे ऑफिस पे, और ऑफिस में हम लोग का एक और शूट है, वो थोड़ा सरप्राइज एलिमेंट है, वो आपको व्लॉग में आगे देखना पड़ेगा। और उसके बाद में हम जाएंगे रात में जिम, और जिम के बाद में रात में एक और एक्टिविटी है, वो भी ख़त्म करना है। सो लेट्स गो गाइस, आज का डे बहुत बड़ा है। स्टार्ट करते हैं हम डांस से। आफ्टर झलक मैंने इतना जल्दी कैच करना सीख गया डांस, सो लेट्स गो। हाय अनीश। अबे अनीश, तू कितना गोरा दिख रहा है। हाय, मैं गोरा ही। दो घंटे में हम लोग ने एक अच्छी सी रील बना लिया गाइस, प्रमोशन की, और डांस था तो आप लोगों को मेरे इंस्टाग्राम पे देखने मिलेगा। हल्का याद कर रहा है, हल्का याद कर रहा है बस। फेजु डांस अच्छा करने लग गया लेकिन मेरे से बेटर नहीं कर सकता। आज है मैनी टाइम। हाय एवरीवन, सो अभी मैं अपने कुछ दोस्तों से आप लोगों को मिलाने वाला हूँ, वो दोस्त जो झलक में थे, वो दोस्त जो खतरों में थे जब मैं एज अ चैलेंजर गया था। देखते हैं मैं उनसे मिल पाता हूँ कि नहीं, वो लोग है या नहीं यहाँ पे। बट मुझे मेरा एक दोस्त मिला है झलक का, पारस कल्लावत, लेट्स गो गाइस, उससे मिलते हैं। उसने बोला है बाकी सब लोग भी है बट मैं अभी डायरेक्ट सेट पे जाके उनको ढूंढूंगा तो नहीं, बट लेट्स गो गाइस, पारस मिलाएगा हम लोगों को। यस ब्रो, हाय पारस। हाय ब्रो, हाउ आर यू? हाउ आर यू? मैं बहुत अच्छा हूँ भाई। अपनी अपने ग्रीन रूम में मुझे घुमाओगे या नहीं घुमाओगे? बस यही ग्रीन रूम है यार। बहुत अच्छा है भाई, ये मैंने खुद ही किया था। खुद से ही किया है? ब्लैक एंड व्हाइट। तो ये मेरे बर्थडे पे प्रोडक्शन वालों ने करवाया था। राजवीर नाम है तुम्हारा शो में? यस, शो में राजवीर नाम है। क्या बात है। यस, सो गाइस हम राजवीर से मिल रहे हैं अभी। हाय राजवीर, कैसे हो तुम? कैसा चल रहा है आपका शूट? अमेजिंग यार, ऑब्वियसली। बट अपना जो झलक की जर्नी रही वो तो ऑब्वियसली याद ही रहेगी यार, दैट वाज वन ऑफ। तो मैंने ऑलरेडी मेरे फैंस लोग को कहा है कि मैं कुछ झलक के लोगों से मिलने वाला हूँ और कुछ खतरों के। यस, और आज हमें राजवीर मिलाने वाला है सबसे। हां, यस यस यस, 100%। यहां पर भी आपको बहुत कोई मतलब बहुत है जो आपके फ्रेंड्स मिलेंगे अभी, जो झलक जर्नी से भी है और आपके खतरों जर्नी से भी है। क्या बात है। सो लेट्स गो गाइस, मिलते हैं सबसे। लेट्स गो। हाय श्रीति। हाय फैजू, कैसी हो? बहुत अच्छी हूँ, तुम्हें देखकर और खुश हो गई। थैंक यू श्रीति, और मैं भी तुमको देख के बहुत ज्यादा खुश हूँ। और यार खतरों के बाद में हम एक दो बार मिले, उसके बाद से हम मिल नहीं पाए। मैं तुमसे मिलती रहती हूँ यूट्यूब पे। थैंक यू श्रीति, गाइस मेरा शो देख रही है। जब वो गाड़ी चलाते रहते हैं उन लोगों से मजेदार बातें करते रहते हैं। थैंक यू श्रीति, और बहुत जल्दी तुमको मेरे शो पे आना है। हाँ मैं आऊंगी, और मुझे देखने में भी बहुत मजा आता है। क्या बात है गाइस, मैं श्रीति के सेट पे आया हूँ, श्रीति से मिलने। इतना खूबसूरत सेट है और ये बहुत खूबसूरत लग रही है। थैंक यू श्रीति, मिलते हैं बहुत जल्दी। कैसे मुझे तुम मिल गए और कैसे मुझे तुम मिल गए? तुम मिल गए यार भाई, क्या है, कैसे मुझे तुम मिल गए? सच में भाई, खतरों के बाद में भाई से अब मिल रहा हूँ। एक दो बार हम लोग मिले थे शिफ्ट के बर्थडे में, वो गेस्ट अपीयरेंस था केप टाउन के बाद सीधा साकिनागा पे मिल रहा हूँ। भाई के पास टाइम नहीं है गाइस, क्योंकि भाई का डेली शूट रहता है, मगर मैं क्या करूँ, मैं पूरी कोशिश करता हूँ भाई से मिलते रहूँ। भाई नहीं तो भूल जाएंगे, भाई भूल जाएंगे। भाई मुझे बोलते हैं भाई परसों आ रहे हैं जिम 2 बजे, फिर भाई गायब हो जाते हैं 2 महीने के लिए। नहीं नहीं भाई, बस अपन इंशाल्लाह साथ में जिम करने वाले और मिस्टर फ्रेजी जैसी बॉडी बनाएंगे और गाड़ी में शो बनाएंगे। भाई ये देखो, ये अलग जो बॉडी पूरी, ये बटन नहीं लग पा रहा है। दिस इज द मेकअप, दिस इज, ये आपके बाल आ गए ना, थोड़े उनको शेव करो। थैंक यू ब्रो, चल मिलते भाई, चल सी यू, मजा आ गया। टेक केयर। यस भाई, नहीं अच्छा लगा भाई। हाय जन्नत, तू बाहर आ रहा है तो जोर से क्यों बात कर रहा है? वेलकम टू माय व्लॉग। सो मैं आज व्लॉग बना रहा हूँ। एक वीडियो के लिए मुझे बुलाया था, अगर 2 वीडियो बन रही है बेसिकली।
आती है। सुनो, कभी भी याद रखना, लाइफ में कभी भी हिसाब किताब नहीं करना, काम करते जाना बस। ये काम है। हाँ? हाँ, ये भी एक तरीके का काम ही हुआ ना। तो जन्नत तुम बोल सकती हो कुछ, जन्नत सोच रही होगी इसने मेरे साथ स्कैम किया, एक रिएक्शन वीडियो बोल के इसने एक व्लॉग भी बना लिया। नहीं, ऐसे कोई स्कैम की बात नहीं, बट एक इंसान हेड्स अप देता है ना। नहीं, नहीं, कभी भी है ना, एक मिनट, सो गाइज ये जो व्लॉग है ना, ये कोई हेड्स अप देने के लिए व्लॉग नहीं है, क्योंकि इसमें मैंने और भी बाकी बहुत सारे लोगों को लिया है, ठीक है। और ये व्लॉग अच्छा लग रहा है मुझे सच में। सुनो ना, ये ना हम लोग आप लोग नाटक देख रहे हो लड़की का, ये वायरलेस है, इसको शॉक लग गया इसमें। एटलीस्ट मुझे शॉक लगता तो समझ में आता, मेरा तो वायर भी था। अरे इलेक्ट्रिक फोर्स है, साइंस जैसे सुनो सुनो, बोर्ड को टच करोगे ना तो आज का टॉपिक जो है, पूरे बात में कितनी बार और बोलते हो एक सेंटेंस में। गाइज प्लीज ध्यान नहीं देना, प्लीज इसको थोड़ा सा इग्नोर करना, और हम बढ़ते हैं हमारे। ए, इसमें भी आवाज आ रही है अलग से यार मेरी, कुछ किया है क्या? बवाल नहीं, बवाल नहीं, बवाल नहीं, बवाल नहीं, बवाल नहीं। सो गाइज हाँ, बस इतना ही, आगे बढ़ते। हाय अनीश, हाय भाई, कैसा लग रहा है मेरा दिन आज तुझे? कितना हेक्टिक रह रहा है बता लोगों को, बता मैं कितना कितना काम कर रहा हूँ माशाल्लाह। गाइस बस वैसे बहुत अच्छा काम कर रहा है और बहुत ज्यादा काम करने लगा है। नहीं, गली थोड़ी पतली, हम बोले इसमें फिट नहीं हो पाते। काम कर तू, पहले चले जा, फिर मैं चला रहा हूं। इस परसों जो रिएक्शन वीडियो लाइव जाने वाला है, परसों नहीं कल जाएगा, कल जो रिएक्शन वीडियो लाइव जाने वाला है उसके एडिटिंग पे। तो गाइस ये मैं डेली करता हूं, मैं आपको आज दिखाता हूं। ये है हमारा एडिटिंग रूम, सिट कर रहा है रिएक्शन वीडियो को एडिट। गाइस तो आपको मैं दिखा देता हूँ एडिटिंग रूम हमारा कैसा है, कल आने वाला है लाइव, और ये रहा हमारा एडिटिंग रूम। सब अलग अलग जगह काम हो रहा है, सो लेट्स गो सिट। एडिटिंग बहुत अच्छी हुई है, कल उसका लाइव होगा, एनिमल का रिएक्शन वीडियो। आज बहुत ही प्रोडक्टिव डे था, और अब मैं निकल रहा हूँ घर पे, घर पे जाके मैं चेंज करूंगा, मैं जाऊंगा राहुल शेट्टी, राहुल भाई की नई स्टूडियो की ओपनिंग है, तो वहाँ पहुँचूँगा जल्दी से जल्दी। और आज का दिन बहुत ही प्रोडक्टिव था, तो फटाफट जा रहा हूँ घर, घर जाके चेंज करूँगा, आपको दिखाऊँगा मैंने क्या पहना है, और उसके बाद में हम पहुँचेंगे स्टूडियो पे, और उसके बाद हम करेंगे अपने ब्लॉग का एंड। थोड़ा सा थक गया हूँ, थोड़ी सी भूख भी लग रही है मुझे, बट ठीक है चलता है। मैं वहाँ देखूंगा, अगर कुछ रहा तो खा लूंगा, नहीं तो बाहर निकल के कुछ खा लूंगा। हो गया हूँ मैं रेडी, और मैं जा रहा हूँ स्टूडियो। कैसा लग रहा हूँ मैं बताओ? हाय बाबू, हेलो बाबू, पकड़ो। ये हो गया मेरा लुक रेडी। लड़के कितना जल्दी रेडी हो जाते हैं ना, 5 मिनट के अंदर फट से, खाली नहाना है, शर्ट पहनना है, जीन्स पहनना है, ऑलरेडी। मैं एकदम ट्रेन हो चुका हूँ, मेरी हालत एकदम मुरझाई हुई हो चुकी है, मेरे को बहुत ज़ोर से भूख लग रही है। मैं सोच रहा हूँ कि मैं कुछ ढूंढ लूँ रास्ते में, मुझे मिल जाए खाने को तो मज़ा आ जाएगी। बहुत ज़ोर से भूख लग रही है, और कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है क्या करूँ। सच में खाली बैठ रहा हूँ तो दिमाग काम ही नहीं करता है यार, सच बता रहा हूँ। मामू सब्वे, सब्वे मिल गया गाइस, सब्वे मिल गया है, सब्वे खा लेता हूँ। बहुत जोर से भूख लगी है। राहुल भाई, यस, कांग्रेचुलेशन भाई, थैंक यू फैजू, थैंक यू के लिए भाई, इतना प्यारा नाम भाई, और इतना प्यारा और मेरा बड़ा भाई, करेंगे इस नाम को, इस नाम को और बड़ा करेंगे, इस नाम को और बड़ा करेंगे। कांग्रेचुलेशन भाई, आरएस स्टूडियो, आप जैसे आर्टिस्ट जो भाई के रहे। क्या बात है भाई, बहुत खूबसूरत है भाई। कितना टाइम लगा बनने में? लंदन में आ गया हूँ मैं, फुल लंदन फील है। 2 साल लगाए तो मतलब दिख रहा है, एक एक चीज पे बारीकी से काम हुआ है गाइस।
क्या बात है राहुल भाई, भाई ने अपना खुद का मन्नत भी बनाया। अब यहाँ नीचे फैंस आएंगे। Thank you.